कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे की यात्री सेवाएं भी रोक दी गई थी। केवल मालगाड़ी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें ही चली। लेकिन 1 जून से कोरोना लॉकडाउन के नियमों में बदलाव और 1 जून से अनलॉक 1 की घोषणा के बाद अब यात्री ट्रेनें भी चल रही हैं। इसी क्रम में गाजीपुर स्टेशन से भी सुहेलदेव एक्सप्रेस को 1 जून से चलाया गया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद मनोज सिन्हा ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहते हुए गाजीपुर से दिल्ली के लिए नई ट्रेनों की सौगात दी थी। उसी में से एक सुहेलदेव एक्सप्रेस भी है। लॉकडाउन के बाद चली सुहेलदेव में चढ़ने वाले यात्रियों को लाइन लगाकर स्टेशन में घुसने दिया जा रहा है। हर यात्री का तापमान लिया जा रहा है और रजिस्टर पर उनकी एंट्री भी हो रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच रेल सेवा बहाल की गई है। ऐसे में यात्रियों से पूरी सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि यात्री बिना मास्क लगाए नहीं आए। गाजीपुर में सुहेलदेव एक्सप्रेस से यात्रा करने पहुंचे यात्री इस निर्देश का पालन करते दिखाई दिए। यात्रियों ने मास्क पहन के रखा था। इसके अलावा मंगलवार को रेलवे स्टेशन दिलदार नगर पर कोविड 19 की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संयुक्त रूप से GRP बल व RPF बल के साथ टिकट वापसी व रिजर्वेशन कराने आए यात्रियों को जागरूक कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कतारबद्ध किया गया तथा सरकार द्वारा 1 जून से चलाई जा रही यात्री स्पेशल ट्रेन के दृष्टिगत यात्रा करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग व आरोग्य सेतु एप्स डाउनलोड कराकर कोविड 19 की सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए सकुशल श्रमजीवी एक्सप्रेस में 74 यात्रियों को बैठाया गया। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।